गुड डे टू ऑल ऑफ यू। पिछली कक्षा में आप सभी बहुत कुछ सीख लिया है, जैसे कि लाइन टूल, टेक्स्ट टूल, रेक्टेंगल टूल, कलर वन, कलर टू, फिल विथ कलर, थिकनेस ऑफ द लाइन और कलर पैलेट इत्यादि। आइए वीडियो को देखकर अब सीखते हैं कि पेंट की फाइल को ओपन कैसे करते हैं। सामने वीडियो में दिखाया जा रहा है कि आपको अपने पॉइंटर को स्टार्ट बटन पर लेके आना है। आप अपने पॉइंटर को टच पैड या माउस के द्वारा स्टार्ट बटन पर लेकर आएं और फिर यहाँ पे लेफ्ट बटन को क्लिक करें, जिससे कि एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स के अंदर आपको ऑल प्रोग्राम लिखे हुए ऑप्शन पे अपने पॉइंटर को लाना है और फिर यहाँ पे क्लिक करना है। इस बॉक्स के अंदर आपको एसोसरीज लिखे हुए ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस बॉक्स के अंदर आपको पेंट लिखे हुए ऑप्शन को ढूंढना है और वहाँ पर अपने पॉइंटर को ले जाकर लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है, जिससे कि आपकी पेंट की फाइल ओपन हो जाएगी। आज की कक्षा में आप सभी कमांड सीखेंगे, जैसे कि कॉपी, पेस्ट, कट, अंडू, रीडू और ओवर टूल के बारे में सीखेंगे और इसके उपयोग से ड्राइंग भी बनाएंगे। क्या आप जानते हैं कि कमांड क्या होता है? कमांड एक शॉर्टकट तरीका होता है, जिसके द्वारा हम कमांड के उपयोग से कंप्यूटर को चला सकते हैं। सबसे पहले आप सभी अंडू के बारे में सीखेंगे। जैसे आप सभी ड्राइंग करते समय आपसे कुछ गलतियाँ हो जाती थी, उसे आप इरेजर टूल के मदद से मिटा देते थे। उसी प्रकार अंडू से आप सभी पेंट के शीट में अपनी गलतियों को मिटा सकते हैं या हटा सकते हैं। अंडू की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस जेड होता है। कमांड जानने के बाद इसका उपयोग कैसे करते हैं, आइए अब सीखते हैं। सबसे पहले आप सभी तीन लाइन को खींचे और उसके बाद बाएं हाथ कि एक उंगली से कंट्रोल का बटन दबाकर रखें और उसके बाद दाहिने हाथ की एक उंगली से एक बार जेड का बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे कि सीट पर सबसे बाद में जो लाइन खींची थी वह मिट जाएगी। इसी प्रकार फिर से बताए गए तरीके से कंट्रोल प्लस जेड को दबाएं, एक और लाइन मिट जाएगी और फिर कंट्रोल प्लस जेड दबाएं तो आपने जो लाइन खींची थी वो सभी लाइन मिट जाएगी। अब आप सभी रीडू के बारे में सीखेंगे। रीडू अंडू की तरह ही काम करता है, लेकिन रीडू से आप सब ने जो भी लास्ट में काम किया था, मतलब जो भी लाइन मिटाई थी, उनको वापस लाने के लिए हम रीडू का उपयोग करते हैं। अंडू से किसी चीज को एक-एक करके डिलीट करते हैं, तो रीडू से हम उस चीज को दोबारा ला भी सकते हैं। रीडू की कमांड कंट्रोल प्लस वाई होती है। आइए अब सीखते हैं कि रीडू का प्रयोग कैसे करते हैं। बाएं हाथ की एक उंगली से कंट्रोल का बटन दबाकर रखें और उसके बाद दाएं हाथ की एक उंगली से एक बार वाई का बटन दबाएं तो आप देखेंगे कि सीट पर सबसे बाद में जो लाइन मिटाई गई थी वह वापस आ जाएगी। उसी प्रकार फिर से बताए गए तरीके से फिर कंट्रोल प्लस वाई को दबाएं और एक-एक लाइन को वापस लाएं। इस चित्र को मिटाने के लिए आप कंट्रोल ए डिलीट का प्रयोग करें। अब कॉपी पेस्ट क्या होता है और इसका उपयोग क्यों करते हैं,
इसके बारे में सीखेंगे। कॉपी का मतलब होता है किसी एक चीज, जैसे कि टेस्ट, नेम, ड्राइंग इत्यादि को एक से ज़्यादा करना, जैसे कि आपके पेंट की सीट पर एक घर की ड्राइंग है, ठीक उसी प्रकार का। अगर घर चाहिए तब हम कॉपी पेस्ट का प्रयोग करेंगे। पेंट में कॉपी पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट कमांड का प्रयोग करेंगे। यह कमांड इस प्रकार से है, कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी। आइए अब सीखते हैं कि इन कमांड का उपयोग किस प्रकार से करेंगे। कॉपी करने से पहले आप सब को यह पता होना चाहिए कि आप सबको किस चीज को कॉपी करना है। सामने दिए गए चित्र को ध्यान से देखें, यह चित्र ओवल टूल का है। अब आप सब इस कक्षा में ओवल टूल के मदद से ड्राइंग बनाएंगे। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि कॉपी और पेस्ट कैसे करते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, सबसे पहले आप ओवल टूल को सिलेक्ट करें और फिर उसे अपने सीट पर ड्रैग करें। उसके बाद अब आप अपने पॉइंटर को या कर्सर को सेलेक्ट टूल पर लेकर आएं, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद लेफ्ट बटन को क्लिक करें। अब इस बॉक्स के अंदर आपको रेक्टेंगुलर सिलेक्शन सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए लेफ्ट बटन को क्लिक करें और फिर अपने पॉइंटर को इस ओवल के ऊपर यहाँ पे रखें और फिर टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन को दबा के रखें और फिर उसे ड्रैग करें, जिससे कि आपका यह ओवल टूल सेलेक्ट हो जाएगा। जब आप इस ओवल को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद एक बॉक्स बन जाएगा, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद आप कॉपी के लिए कमांड का प्रयोग करें। एक हाथ से कंट्रोल के बटन को दबाएं और उसी समय सी बटन को प्रेस करें, जिससे कि कॉपी हो जाएगा। जब आप कॉपी करेंगे तो आपके वीडियो में कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही आप पेस्ट की कमांड का प्रयोग करेंगे आपके सीट पर पहले की तरह एक और ओवल आ जाएगी, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब आप अपने इसे पॉइंटर के द्वारा पिक करके कहीं भी रख सकते हैं, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। पिक करने के लिए टचपैड या माउस का प्रयोग करें। अब देखें कि जैसे पहले वाले ओवल के पास इस लाया जा रहा है, पहला वाला ओवल आपका छुप रहा है। अब इसे ठीक करने के लिए आपको सिलेक्शन टूल में जाना होगा। यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन सेलेक्ट करना है, जिससे कि आपका पहला वाला ओवल दिखने लगेगा। तो इस तरह से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब आपने एक बार इसे कॉपी किया, अब आपको जितनी बार चाहिए ओवल आप सिर्फ पेस्ट का कमांड का प्रयोग करें और एक से ज़्यादा ओवल ला सकते हैं। जैसे कि पेस्ट के लिए कमांड होता है कंट्रोल प्लस वी, आपको सिर्फ कंट्रोल प्लस वी को प्रेस करना है और यहाँ से ओवल को पिक करके अपने सीट पे रखना है। जितनी बार आपको चाहिए ओवल उतनी बार आप कंट्रोल प्लस वी का प्रेस करें और आपका ओवल आ जाएगा। इस चित्र को मिटाने के लिए आप कंट्रोल ए डिलीट का प्रयोग करें।
अब आप कट पेस्ट के बारे में सीखेंगे कि कट क्या होता है। कट का मतलब होता है किसी चीज को कट करना। जैसे कि मान लीजिए आपने एक लाइन खींची, अब उस लाइन को उस जगह से हटाना हो तो आप कट करेंगे। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि कट और पेस्ट कैसे करते हैं। इसके लिए आप सभी ओवल टूल को सिलेक्ट करें और फिर उसे अपने पेंट की शीट पर ड्रैग करें। ड्रैग करने के बाद अपने पॉइंटर या कर्सर को साइड में रखें। अब हमें इस ओवल के नीचे वाले पार्ट को कट करना है। कट करने से पहले हम इस ओवल टूल के नीचे वाले पार्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट टूल के अंदर जाएंगे, जैसे कि आप सभी जानते हैं, और यहाँ पे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और फिर इस ओवल टूल के नीचे वाले पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। सिलेक्ट करने के लिए आप अपने माउस या टचपैड के लेफ्ट बटन को दबा के रखेंगे और फिर उसे ऐसे ड्रैग करेंगे जिससे कि ये नीचे वाला पार्ट सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप कट की कमांड का प्रयोग करेंगे जो कि कंट्रोल प्लस एक्स होता है। जैसे ही आप इस कमांड का प्रयोग करेंगे यह नीचे का पार्ट कट हो जाएगा। उसके बाद आप इसे लाने के लिए पेस्ट का कमांड का प्रयोग करेंगे जो कि कंट्रोल प्लस वी होता है। जैसे ही आप पेस्ट की कमांड का प्रयोग करेंगे आपका नीचे वाला पार्ट वापस आ जाएगा और फिर उसे पिक करके आप इसे कहीं भी रख सकते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि जब आप इस ओवल के नीचे वाले पार्ट को कट करने के बाद इसे पिक करके इसके पास लेके आ रहे हैं तो आपका ऊपर वाला जो है ओवल का पार्ट वो हाइड नहीं हो रहा है क्योंकि हमने ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को सेलेक्ट कर रखा है। अब इसे जैसे हटाएंगे और फिर अपने इस नीचे वाले पार्ट को पहले वाले पार्ट के साथ रखेंगे तो हाइड होने लगेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने वहाँ पे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को अनसेलेक्ट कर रखा है। इसको ठीक करने के लिए आपको दोबारा से सिलेक्शन टूल में जाना होगा और फिर वहाँ से ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद आपका यह ओवल ठीक हो जाएगा। आप सभी ध्यान दें कि जो आपका सिलेक्शन टूल का बॉक्स है या उसके बाहर आपने क्लिक कर दिया, लेफ्ट बटन को प्रेस कर दिया, तो आपको दोबारा से सिलेक्शन टूल पे जाके सेलेक्ट करना होगा। इस चित्र को मिटाने के लिए आप कंट्रोल ए डिलीट का प्रयोग करें। सामने दिए गए चित्र को ध्यान से देखें, यह चित्र ओवल टूल का है। अब आप सब इस कक्षा में ओवल टूल के मदद से ड्राइंग बनाएंगे। सभी ओवल टूल को सेलेक्ट कर लें, दिए गए चित्र को देखें और बताएं क्या आप सभी इस चित्र को बना सकते हैं या नहीं। ओवल टूल को सेलेक्ट करें, कलर वन को ग्रीन करें, ऐसे एक ओवल को ड्रैग करें, फिर कलर वन को रेड करें और ऐसे एक ओवल को ड्रैग करें, कलर वन को ब्लैक करें, यहाँ पे छोटा सा ओवल को ड्रैग करें, फिर सिलेक्शन टूल पे जाके सेलेक्ट करें, फिर अब इस ओवल को ऐसे सेलेक्ट करें, कंट्रोल सी दबाएं, उसके बाद कंट्रोल वी दबाएं, फिर इसे यहाँ से पिक करके यहाँ पे बीच में लेकर आएं। जैसे बीच में लाएंगे यहाँ पे वाइट होगा, इसे ठीक करने के लिए सिलेक्शन टूल पे जाके ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट करें, फिर अब ये वाइट हट जाएगा यहाँ से जो ओवरलैप हो रहा था, फिर कंट्रोल वी दबाएं, एक और आई जाएगा यहाँ पे, इसे पिक करें,
ये दूसरी आईज बन गई। अब हेयर बनाना है जैसे कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है, उसे आप बस कंट्रोल भी दबाएं, एक और हेयर आएगा, उसे पिक करके यहाँ पे रखें, फिर एक बार और कंट्रोल भी दबाएं, पिक करके यहाँ पे लाएं, फिर कंट्रोल भी, फिर यहाँ पे, फिर कंट्रोल भी, फिर ऐसे पिक करके, फिर कंट्रोल भी, पिक करके यहाँ पे रखें, फिर कंट्रोल भी दबाएं, पिक करके लाएं, फिर कंट्रोल वी, पिक करके लाएं यहाँ पे, फिर कंट्रोल वी, पिक करके लाएं, फिर कंट्रोल वी दबाएं, पिक करके लाएं, फिर कंट्रोल वी दबाएं, पिक करके लाएं, फिर कंट्रोल वी दबाएं, पिक करके लाएं इसे, फिर कंट्रोल वी दबाएं, पिक करके लाएं, 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 यहाँ पे ऐसे रखें इसे ओवल को, फिर कंट्रोल वी दबाएं, फिर पिक करके रखें, फिर कंट्रोल वी दबाकर इसे यहाँ से ऊपर से पिक करके यहाँ पर लाकर रखें, फिर कंट्रोल वी दबाएं, यहाँ पे रखें पिक करके, फिर कंट्रोल वी दबाएं, पिक करके रखें, फिर कंट्रोल वी दबा के पिक करके रखें यहाँ पे, फिर कंट्रोल वी दबाएं, पिक करके रखें, फिर कंट्रोल वी दबाएं, पिक करके रखें, फिर कंट्रोल वी, पिक करके लाएं, फिर कंट्रोल वी, पिक करके लाएं इसे, फिर कंट्रोल वी दबाएं, पिक करके लाएं ऊपर से यहाँ पे रखें, फिर यहाँ पे कंट्रोल वी दबाएं, पिक करके लाएं, फिर कंट्रोल वी दबाएं, पिक करके लाएं यहाँ पे रखें, फिर कंट्रोल वी दबाएं, पिक करके लाएं, फिर कंट्रोल वी दबाएं, पिक करके ला कर रखें यहाँ पे। हमें जितनी बार हेयर बनाना है उतनी बार हम इसे कंट्रोल वी दबाएंगे और पिक करके लाएंगे इसे और रखेंगे। कंट्रोल वी से पेस्ट होता है जैसे कि आपको पहले बता दिया गया है। इस तरह से आपका यह पिक्चर बन जाएगा। दिए गए चित्र को देखें और बताएं कि क्या आप सब इस चित्र को बना सकते हैं या नहीं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि इस चित्र को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप सभी ओवल टूल को सिलेक्ट करें, उसके बाद ब्लैक कलर को सिलेक्ट करें और फिर अपने सीट पर ऐसे ओवल को ड्रैग करें। उसके बाद कलर को चेंज करें, फिल पे जाएं, क्लिक करें और सॉलिड कलर को सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पे ऐसे ड्रैग करें। फिर कलर को चेंज करें, यहाँ पे ऐसे एक और ओवल को ड्रैग करें उसके बाद कलर को चेंज करें। यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे ओवल को ड्रैग करें, फिर कलर को चेंज करें। उसके बाद यहाँ पे ऐसे ओवल को ड्रैग करें नीचे की तरफ। उसके बाद कलर को चेंज करें।
फिर यहाँ पे एक और छोटा सा ओवल को ड्रैग करें, फिर कलर को चेंज करें, उसके बाद यहाँ पे छोटा सा एक ड्रैग करें और फिर कलर को चेंज करें और एक और ओवल को ड्रैग करें। इस तरह से यह चित्र बन जाएगा। दिए गए चित्र को देखें और बताएं कि क्या आप इस चित्र को बना सकते हैं या नहीं। कलर वन को चेंज करें, ओवल टूल को सेलेक्ट करें, फिल पे जाएं, सॉलिड कलर लें, ऐसे एक ओवल को ड्रैग करें, उसके बाद कलर वन को सेलेक्ट करें, कलर को चेंज करें, फिर कलर टू में भी सेम कलर लें, उसके बाद यहाँ पे ऐसे एक ओवल को ड्रैग करें, फिर कलर टू को चेंज करें, कलर वन को भी चेंज करें, दोनों में सेम कलर लें, उसके बाद ऐसे एक ओवल को ड्रैग करें, फिर कलर वन को चेंज करें, कलर टू को भी चेंज करें, फिर ऐसे ओवल को ड्रैग करें, फिर दोनों कलर चेंज करें, ऐसे एक ओवल को ड्रैग करें, फिर कलर वन कलर टू में दोनों में सेम कलर लें, ऐसे एक और ओवल को ड्रैग करें, इस तरह से यह इमेज बन जाएगी। दिए गए चित्र को देखें और बताएं कि क्या आप इस चित्र को बना सकते हैं या नहीं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि इस चित्र को कैसे बनाते हैं। ओवल टूल को सेलेक्ट करें, कलर वन को चेंज करें, कलर टू को भी सेम कलर लें, फिल पे जाएं, सॉलिड कलर लें, ऐसे ओवल को ड्रैग करें, कलर टू को वाइट करें, कलर वन को भी सेम कलर लें, ऐसे ऊपर ओवल को ड्रैग करें, फिर ऐसे एक और ओवल को ड्रैग करें, कलर को चेंज करें, फिर यहाँ पे ऐसे छोटा सा ओवल को ड्रैग करें, फिर ऐसे ओवल को ड्रैग करें, फिर अब यहाँ पे ओवल को ड्रैग करें, फिर ऐसे एक के बाद ऐसे ओवल को ड्रैग करें छोटे छोटे, फिर ऐसे फिर यहाँ पे इस तरह से यह पिक्चर बन जाएगी। क्योंकि आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है, सभी अपने पेंट की फाइल को क्लोज करें और सिस्टम को प्रॉपरली शटडाउन करें। आइए अब सीखते हैं कि हम कंप्यूटर को शटडाउन कैसे करते हैं। आप सभी अपने पॉइंटर को स्टार्ट बटन पर लेकर आएं, उसके बाद अपने टचपैड या माउस
के लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक करें। जैसे ही आप लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे, एक बॉक्स ओपन होगा। अब इस बॉक्स के अंदर आपको शटडाउन लिखे हुए ऑप्शन को ढूंढना है और वहाँ पे अपने पॉइंटर को लेकर जाना है। इस शटडाउन ऑप्शन पे पॉइंटर रखने के बाद अपने टचपैड या माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका कंप्यूटर शटडाउन हो जाएगा। आज की कक्षा में आप सब ने सीखा कि अंडू, रीडू, कॉपी, कट और पेस्ट कैसे करते हैं। आप सब ने सीखा कि ओबल के मदद से कुछ चित्र को भी कैसे बना सकते हैं। अगली कक्षा में आप सभी का टेस्ट होगा। सभी बच्चे कल की कक्षा में उपस्थित रहें। अगर कोई छात्र अब्सेंट हो जाता है तो वह अगले मॉड्यूल के लिए पास नहीं हो पाएगा, इसलिए सभी कल की कक्षा में उपस्थित रहें।